हम लोग हैं एल्सवर्थ में और यहाँ से हम जाने वाले अकाडिया नेशनल पार्क, जो कि सिर्फ 30 मिनट्स के ड्राइव है और ये हमारा पहली बार है अकाडिया नेशनल पार्क का विजिट, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। हम अपनी जो लीफ पीपिंग की जर्नी है जो वर्मोंट से हमने स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू करते हुए हम हमारे लास्ट लेग जो अकाडिया नेशनल पार्क है वहाँ पहुँचने वाले, तो लेट्स गो क्विकली क्योंकि आज वीकेंड है, वहाँ पे बहुत शायद क्राउड होगा तो पार्किंग इशू हो सकता है क्योंकि एक ही लूप रोड है जो पूरे पार्क में जाते हैं, तो वी शुड जस्ट गेट गोइंग क्विकली। सी यू देयर। Thank you very much. तो कितना लगा होगा? अगर आप वन टाइम एंट्री ले रहे हो तो इनका कुछ तो $30 है जो 7 दिन के लिए वैलिड रहता है, या फिर आप इनका ईयरली पास ले सकते हो जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है और उसका प्राइस है $50। अब हम लोग जब मोंटाना गए थे ग्लेशियर नेशनल पार्क तो हमने नेशनल पार्क का ये पास ले लिया था जिसका कॉस्ट था $80, लेकिन ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है और आप US के कोई भी नेशनल पार्क में कितने बार भी जा सकते हो। तो अगर आप इनके साल में 3 नेशनल पार्क भी विजिट करने वाले हो तो आई रेकमेंड कि भाई ये पास ले लो, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो नेशनल पार्क है हर एक पार्क का एंट्री फी एटलीस्ट $30 तो रहता ही है, तो अगर आप 3 नेशनल पार्क विजिट करने वाले हो तो वो $90 हो जाता है, जबकि ये $80 में मिलता है, तो ऑब्वियसली आप $10 तो आराम से सेव करोगे। अकाडिया नेशनल पार्क में पार्क लूप रोड से हम लोग आए हमारे फर्स्ट पॉइंट सैंड बीच पे। अब ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे है बीच, प्लस यहाँ से बहुत सारे ट्रेल्स भी जाते हैं जैसे ओशन पार्क ट्रेल है, सैंड हेड ट्रेल्स है, या फिर यहाँ का फेमस बीहाइव ट्रेल। तो मतलब इजी से लेके हार्ड लेवल तक के हर एक लेवल के यहाँ पे ट्रेल स्टार्ट होता है। प्लस यहाँ का जो पार्किंग लॉट है वो ये अकाडिया नेशनल पार्क का सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है, वैसे वो जल्दी फुल भी हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान करते हो तो ट्राई करना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आ जाओ। वैसे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो पार्क लूप रोड है वो 2 लेन रोड है, तो उसका जो एक राइट हैंड साइड का जो लेन है वो इन्होंने पार्किंग के लिए भी अलॉट करके रखा है, तो अगर इनकेस ये पार्किंग लॉट फुल हो जाता है तो आप वो वहाँ पे भी जाके भी पार्क कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि मैंने देखा कि ऑन द वे भी जितने भी पार्किंग लॉट थे सब छोटे छोटे पार्किंग लॉट ही थे। वैसे ये समंदर का जो पानी है वो बहुत ठंडा है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ का पानी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 17 से 35 फ़ारेनहाइट, और इसलिए शायद से आपको भी मतलब बीच पे ज़्यादा कोई लोग दिख नहीं रहे कि जो पानी में जा रहे हैं, सब लोग मोस्टली बीच पे ही वॉक कर रहे हैं। अगर पार्क लूप रोड पे अगर आपको ड्राइव नहीं करना है तो यहाँ पे शटल सर्विस भी चलता है, तो आप वो ले सकते हो, और जैसे हमने मोंटाना में देखा था वहाँ के शटल सर्विस के लिए रिजर्वेशन लगता था, लेकिन यहाँ के शटल सर्विस के लिए रिजर्वेशन नहीं चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होता है बीहाइव ट्रेल जो हम लोग मोस्टली परसों करेंगे, और ये है पार्क लूप रोड, और जैसे मैंने बोला था कि एक साइड का जो लेन है ये लोग ने पार्किंग के लिए अलॉट करके रखा है, तो इनके सैंड बीच पे पार्किंग नहीं मिलता तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अभी वैसे बजा 11 और देख सकते हो कि इवन ये जगह भी पूरा फुल हो गया, तो जितना लेट आओगे उतना दूर पार्क करके यहाँ पे चल के आना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्या? अभी ये पार्क लूप रोड पे ही कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके रुकेंगे थंडर होल पे। ओके, लेट्स गो। जो लेफ्ट में लोग चल रहे हैं ना ये वही जो ओशन पार्क ट्रेल है, ये जो पूरा ओशन को ऐसे पैरेलल चलते रहता है, और ये टोटल है 4 माइल का राउंड ट्रिप। तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं थंडर होल, तो आप इधर कार से जा सकते हो या फिर ये जो ट्रेल है इससे भी चल के जा सकते हो। तो हम लोग आए थंडर होल पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो पानी के वेव्स है ये यहाँ पे स्टोन पे ना क्रैश होके पूरा ऐसा ब्लो होता है, ऐसा मतलब स्प्रे जैसा,
लेकिन अभी तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद से हम लोग थोड़ा गलत टाइम पे है। जब हाई टाइड रहता है उससे एक डेढ़ घंटा अगर हम लोग पहले आते तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू सी दैट। तो वैसे भी हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन के लिए है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आना है तो हाई टाइड का टाइम देखेंगे और तब भी यहाँ पे आएंगे। वैसे यहाँ से व्यूज बहुत ब्यूटीफुल है। ये ट्रेल भी बहुत मस्त है, मतलब ये पूरा जो ओशन है उसके पूरा पैरेलल ही चलते रहता है और बीच बीच में बहुत सारे सीनिक पॉइंट्स है, तो वहां पे रुक के आप मस्त देख के फिर ये ट्रेल आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब थंडर रोल से हम लोग वापस जा रहे हैं बार हार्बर क्योंकि अभी बजे दोपहर के 12, भूख भी बहुत लगी है और वहां पे हमें ज्वाइन करने वाले स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे इस अकाडिया के ट्रिप पे हमारे साथ रहेंगे, तो मिलते हैं बार हार्बर में। तो बार हार्बर में अभी हमने लंच किया साइड स्ट्रीट कैफे में। खाना ठीक था, मतलब नॉट ग्रेट, बट क्लैम चाउडर सूप बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ पे खाने के ऑप्शंस भी बहुत है, इवन वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। यस, रॉयल इंडियन, राइट। और इवन वेज ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। बार हार्बर से ड्राइव करके हम लोग वापस अकाड़िया आ गया और हम लोग है अभी ऑटर पॉइंट पे। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है वो ओशियन पार्क ट्रेल, जो हम लोग सैंड बीच गए थे वो ऑलमोस्ट वहाँ पे है। तो अगर सैंड बीच से अगर ऑटर पॉइंट तक आना है तो आप एक तो पार्क लूप रोड से ड्राइव भी कर सकते हो या फिर चल के भी आ सकते हो, और वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आई थिंक कुछ 2 माइल्स है। अब ऑटर पॉइंट से हमारा प्लान ऐसा है कि हम लोग जाएंगे कैडिलैक समिट, जो कि अकाड़िया नेशनल पार्क का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पॉइंट है, और हम लोग जा रहे हैं वहां पे सनसेट देखने के लिए। कैडिलैक समिट वैसे तो फेमस है सनराइज के लिए और आप वैसे उसको दिन में भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वहां पे जाना है तो उसको लगता है रिजर्वेशन, और अगर आपको सनराइज के टाइम जाना है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन लगता है, और अगर डे एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन लगता है। वैसे जो इनके डेली के जो स्लॉट्स है उसमें से 70% जो टिकट्स है वो 2 महीने पहले ही ओपन हो गए थे और वो ऑलमोस्ट तुरंत फुल भी हो गए थे। बाकी के जो 30% जो टिकट्स है वो 2 दिन पहले ओपन होता है, मतलब अगर आपको संडे जाना है तो वो जो 30% टिकट्स है वो फ्राइडे को ओपन होते हैं सुबह 10 बजे, और अगर आपको रिजर्वेशन के चांसेस बढ़ाना है तो आई सजेस्ट कि 2 या 3 अलग अलग लॉगिन बना के आप उससे ट्राई कर सकते हो। तो चलो फिर अभी कैडिलैक समिट जाते हैं क्योंकि यहाँ से वहाँ पे ड्राइव भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का है और मे भी ट्रैफिक भी मिल सकता है। और एक बात, जो कैडिलैक समिट का रिजर्वेशन है तो आपको 30 मिनट्स का बफर मिलता है, मतलब अगर आपका 5 बजे का रिजर्वेशन है तो आप 5:30 तक वहां पे जा सकते हो। और अब हम जा रहे हैं जॉर्डन पॉन्ड, तो यहाँ से तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, जरा पास जाके देखते हैं। चलिए, तो ये पॉन्ड के अराउंड पूरा एक ट्रेल है जो कि बहुत इजी था, है 4 माइल्स का बट इट्स वेरी इजी। और ये ट्रेल पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे हम यहाँ आके रुके और यहाँ पे इतना पीसफुल है, आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसका पूरा बैकग्राउंड माउंटेन्स का है और अभी तो उस माउंटेन्स पे फॉल कलर्स भी है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल, बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये ट्रेल इतनी इजी है कि आप आपके पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं, सुपर इजी है एंड विद ग्रेट व्यूज।
अगर जॉर्डन पॉन्ड का व्यू और अच्छे से एंजॉय करना है तो ये जॉर्डन पॉन्ड हाउस में आप खाना खाते समय इसको एंजॉय कर सकते हो। जबरदस्त है यहाँ से ना। हाँ बहुत सही है, और पूरा मतलब ये समिट से है ना 360 व्यू मिलता है पूरा। हाँ। और वो जो है वहाँ पे है बार आर्बर। अभी हम लोग ईस्ट लॉट में है, ईस्ट पार्किंग लॉट में कैडिलैक माउंटेन के, तो वहाँ से ये व्यू है। और आगे सनसेट के लिए वेस्ट लॉट जा रहे हैं तो वहाँ चलते क्योंकि सनसेट होने ही वाला है। लेट्स गो। टॉप पे और यहाँ पे हम वेस्ट लॉट में आए हैं सनसेट का व्यूज देखने। तो सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, या आज इतना अमेजिंग सनसेट नहीं था बिकॉज थोड़ा क्लाउडी है और वो कवर्ड था सन, बट फिर भी यहाँ से जो व्यूज है वो बहुत अमेजिंग है। आपको ओशन दिख रहा है एक साइड पे, माउंटेन्स है जिसपे फॉल कलर्स है, और फिर पॉन्ड्स है। इट्स ब्यूटिफुल आउट हियर। ठंडा है थोड़ा इसलिए आप देख सकते हो तैयारी वैसे, बट अदरवाइज इट्स परफेक्ट। तो ये हमारे दिन को तो परफेक्ट एंड हुआ है। अब हम जाएंगे वापस एल्सवर्थ जहाँ हम लोग तीन दिन के लिए स्टे करने वाले, और अब जाके फैमिली के साथ थोड़ा चिल करेंगे क्योंकि ये एक रीयूनियन जैसे हो गया है हमारे लिए। तो लेट्स गो होम। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो या अकाडिया नेशनल पार्क पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जल्दी से प्लान बनाइए इस पार्क को घूमने के लिए। तब तक के लिए बाय। Sleeping like